नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब आशा करते हो बहुत ही अच्छे होंगे वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में दोस्तों मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ जो जेएमसी प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड की तरफ से है इसमें क्वालिफिकेशन में बी बी टेक डिप्लोमा दोनों मांग लिया गया है अगर आप लोग बी बी टेक डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग करके रखे हो तो इसके लिए आप लोग कम्प्लीटली एलिजिबल हो इसमें प्रेसर्स एक्सपीरियंस दोनों ही पोस्ट निकल के आया है तो इसमें कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होने वाली है एप्लीकेशन फ्लीस कोई भी नहीं रखा गया है कम्प्लीटली फ्री है डायरेक्ट सिलेक्शन होगा अगर आप लोग ऑल इंडिया कहीं से भी बिलोंग करते हो तो इसके लिए आप लोग कम्प्लीटली एलिजिबल हो तो मैं इस वीडियो में डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन सा पोस्ट निकल के आया है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है तो हर एक चीज डिटेल्स में मैं इस नोटिफिकेशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए तो नेक्स्ट चलते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की तरफ तो ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि जे प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड की तरफ से है जो एक बहुत बड़ी कंपनी है बहुत ही अच्छी कंपनी है अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे एक बार हो जाता है तो आपका करियर सेट हो जाएगी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इसका बेनिफिट सैलरी वर्क वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है तो अगर आप लोग देखोगे तो जे प्रोजेक्ट बिल्डिंग डिवीज़न इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीज़न इंडस्ट्रियल डिवीज़न पावर डिवीज़न हर एक चीज़ में काम करती है अगर आपको सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है तो बहुत कुछ आपको सीखने के सीखने के लिए मिलेगा तो आप लोग इसमें जो भी पोस्ट निकल के आया इसमें अप्लाई करना तो करने के लिए जो है वर्क विश ऑप्शन पे क्लिक करना है और वर्क विथ ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे पे आना है और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है तो उसके बाद आपका एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा जिसमें जो भी वैकेंसी अभी निकल के आया है वो दिखा रहा है तो बहुत सारे पोस्ट निकल के आया है फर्स्ट मैनेजर आईटी वालों के लिए नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी देन सीनियर इंजीनियर बीबीएस देन एग्जीक्यूटिव फ्रंट ऑफिस देन उसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट तो मैं फर्स्ट जो प्रेसर्स वालों वालों के लिए है वो मैं फर्स्ट डिस्कस कर लेता हूँ फर्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट तो इसमें आपको क्लिक करने के बाद आपका जो नोटिफिकेशन का डिटेल्स है वो आपको आपका ओपन हो जाएगा तो ये है इसका नोटिफिकेशन का डिटेल्स जिसमें क्वालिफिकेशन में बी बी टेक इन सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा या सी ए या तो एम बी ए ये चार में से किसी में आप आप लोग अगर ग्रेजुएट या डिप्लोमा करके रखे हो तो इसके लिए आप लोग एलिजिबल हो इसमें आपका एक्सपीरियंस जीरो टू टू ईयर्स तक मांगा गया है जीरो मतलब आपका फ्रेशर्स इसमें कम्प्लीट एलिजिबल है अगर आपके पास एक या दो साल का एक्सपीरियंस भी है तो इसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो तो नेक्स्ट इसकी बात करते हैं तो इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपका होने वाला है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं तो आपको आर्किटेक्ट के साथ कोऑर्डिनेट करके ड्राइंग वगैरह करवाना होगा और उसको टाइमली बेसिस पर आपको सबमिट करना होगा नेक्स्ट होगा आपका एस्टिमेशन वगैरह आना चाहिए देन टेंडरिंग का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होती है वो आपको परचेस वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा दैन जो भी परचेस ऑर्डर होता है उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना मेंटेन करना है और और जो वेंडर और कॉन्ट्रेक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो आपको ट्रैक करना है और उसका जो भी रिपोर्ट वगैरह करके आपको सीनियर लोगों को सबमिट करना है नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो तो साइट पर काम करने के टाइम जो रिक्वायरमेंट्स होते रहते हैं तो उस चीज़ का परचेस जो जो चीज़ परचेस करना होता है उसका डिटेल्स आपको सीनियर को सबमिट करना पड़ेगा आपका जो प्रॉब्लम या इश्यूज़ क्रिएट होता है तो वो आपको साइट इंचार्ज के साथ बैठ के मीटिंग मीटिंग करके फिक्स करवाना पड़ेगा तो ये ये सब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है तो ये है इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन तो नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं तो असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी की तरफ से आया है तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है वो आपके पास ओपन हो जाएगा तो इसमें आप लोग देख पा रहे हो कि इसके लिए इसके अप्लाई करने के लिए आपके पास बी बी इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए इसमें टू टू फाइव इयर्स तक एक्सपीरियंस मांग लिया गया है अगर आपके पास दो साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम तो इसके लिए आप लोग एलिजिबल हो अगर मैक्सिमम इसमें पाँच साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है तो इसमें अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट का जो मेन पार्ट होता है वो आपको मेनली चेक करना पड़ेगा साइट पे आपका जो प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट होते रहते हैं देन जो ट्रेनिंग वगैरह चलते रहते हैं ये सब रिपोर्ट आपको वीकली बेसिस पे बनाना पड़ेगा और आपको जो आपका जो प्रोजेक्ट है देन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है उस वो सब को वो सब रिपोर्ट आपको उन लोगों को सेंड करना पड़ेगा देन उसके अलावा आपका जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के साथ प्रोजेक्ट कोऑपरेट uh, करना पड़ेगा देन जितना भी साइट इंजीनियर से साइट सुपरवाइजर से सबके साथ जो भी क्रिटिकल इशूज़ रेज होगी उस उसको आपको सॉल्व करवाना पड़ेगा देन नेक्स्ट जो नेक्स्ट डे अगर देन नेक्स्ट डे क्लस्टर हेड क्वालिटी कंट्रोल का जो रिपोर्ट है वो आपको मंथली बेसिस पे प्रिपेयर करवाना पड़ेगा और ये जो रिपोर्ट बनाने के बाद आपको प्रोजेक्ट हेड क्लस्टर क्वालिटी इंचार्ज इन सबको भेजना पड़ेगा उसके बाद आपका मंथली वाइज आपका जो मीटिंग होने वाला है वो आपको अटेंड करना पड़ेगा उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर और इंजीनियर्स से उनके साथ क्वालिटी वर्क्स कंडक्ट करना है और जो जो इश्यूज़ प्रॉब्लम या तो मेजर कंसर्न हो रही है तो सारा चीज़ आपको डिस्कस करना है उन लोगों के साथ मेन पार्ट आपका मैनेजमेंट का रहने वाली है उसके बाद आपका रिपोर्ट बनाना पड़ेगा देन टेक्निकल वैल्यूएशन का देन उसके अलावा आपका वेंडर और कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो प्रॉब्लम या दिक्कत हो रही है उन सबको आपको सॉल्व करवाना पड़ेगा दैन अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह रेज होता है तो उस टाइम आपको वेंडर कॉन्ट्रैक्टर और परचेस टीम इन सब के साथ मीटिंग करके आपको वो चीज़ शॉर्ट आउट करना पड़ेगा तो इसके साथ में साइट इंजीनियर्स वर्कर्स और साइट सुपरवाइजर के लिए जो साइट ट्रेनिंग जो मीटिंग वगैरह होती रहती है और या जो जो ट्रेनिंग का जो इवैल्यूएट करना पड़ता है वो सबको आपको देखना पड़ेगा उसके साथ में साइट इंजीनियर्स, वर्कर्स और साइट सुपरवाइजर के लिए ऑन साइट ट्रेनिंग जो मीटिंग होती है या तो ट्रेनिंग का जो इवैल्यूएट करना पड़ता है वो सब आपको देखना पड़ेगा तो ये है इसका कंप्लीट रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोग आपके हिसाब से वो चीज़ देख लीजिएगा तो इसको अप्लाई करने के लिए आप कोई भी ऑप्शन पे को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप आपका उसका विंडो ओपन होगा और उसके बाद आपको अप्लाई ना ऑप्शन पे क्लिक करना है अप्लाई ना ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका आपके पास एक इंटरफेस ओपन होगा तो ये है इसका इंटरफेस जिसमें क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा वो फॉर्म आपको फिलअप आप कर देना है जिसमें आपका ईमेल एड्रेस मांग लिया गया है पासवर्ड देना पड़ेगा उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपका जो कंट्री है देन फोन नंबर ये सब कुछ देख के आपको क्रिएट अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको वो डिटेल्स लेके फिर से लॉगिन करना है लॉग इन के लिए प्लीज़ साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो आप लोग अकाउंट क्रिएट किए वो सब कुछ आपको डालना है और उसके बाद आपको क्लिक करने के बाद आपका जो जो फॉर्म का डिटेल्स आने वाला है तो वो सब कुछ आपको डाल देना है इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स और, और इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो आप लोग वहां से चेक कर सकते हो तो ये है इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन का डिटेल्स और वीडियो का डिटेल्स अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो जाए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना तो अगर आप लोग वीडियो को लाइक कर दो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू